दो वनडे भाई, ये चेक करें माशाल्लाह। तो दोस्तों हमें हमारी मेहनत का फल मिलना शुरू हो चुका है। ये देखें आज दो अंडे मिले हैं। अयान ये लो पकड़ो इनको। तो यार हमारी मुर्गियां जो है ना वो अंडे देना बंद हो गई थी, एक हफ्ते बाद जाके दो अंडे मिल रहे हैं। अभी इनको डाले हैं टुकड़े और इसके अंदर ये थोड़ी सी पालक भी डाली है जो इनके लिए बहुत अच्छी होती है। यार मेरे कपड़ों पे गिरा रहे हैं सारा। तो गाइज वेलकम टू न्यू व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार आपको पता है कि हमारे कबूतरों ने दो और चार तीन बच्चे निकाले थे, एक और बच्चा पता नहीं निकला या नहीं, वो अभी हम चेक करते हैं। तो अभी हम चेक करने वाले हैं हमारे बच्चों की प्रोग्रेस कैसी जा रही है, ये ठीक भी है या नहीं, और आज भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, अभी मैं आपको ऊपर चल के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो कबूतरों के बच्चे हैं ना वो कैसे हैं। तो यहाँ पे वो बच्चे थे, नहीं सॉरी मुझे लगता है ये एक अंडा जो है ना ये ख़राब हो गया, और ये वाला एक बच्चा है जो कि माशाल्लाह सबसे पहले हमने देखा था। ये देखें कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, यार कितना प्यारा है। ये देखो यान आराम से पकड़ना, बिल्कुल बहुत प्यारा है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। ये देखें गाइस यहाँ पे दो बच्चे निकले हुए हैं, ये थोड़े बड़े हैं इनसे। ये वाला बड़ा है, ये पहले निकला था, नहीं बल्कि वो बड़े हैं, वो पहले निकले थे, और ये जो बच्चा है ना ये वाला बच्चा बाद में निकला था। मैंने देखा लेट था क्योंकि वो बच्चे निकल गए थे, मुझे पता ही नहीं था कि वो बच्चे निकले हुए हैं, और जब मैंने आके देखा पहले ये बच्चा देखा फिर वो देखे तो काफी खुशी हुई थी। आपको पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, ये देखे भाई साहब, वो माशाल्लाह। नाम क्या रखे? चलो आप बताओ कोई नाम क्या रखे इनका, नाम बताओ जल्दी करो इसका, बताओ इसका चिंकी मिंकी। हाँ। तो गाइस कैसे नाम है यान ने बताएं, आप लोग कमेंट्स करके बताएं। ये देखें ये चिंकी और ये मिंकी, ये देखें माशाल्लाह भाई साहब चेक करें, ओए कितना प्यारा है यार। और ये दोनों जो है ना ब्लैक हैं, ठीक है दोनों ब्लैक हैं, पता नहीं अभी किस पे जाते हैं। इनके अम्मी अबू जो होंगे ना, अगर वो मुझे अभी नज़र आते हैं तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ इनके अम्मी अबू कैसे हैं। बहुत प्यारे हैं यार, यहाँ से लाइटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। हमेशा मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना मैं सबसे पहले अपना फोकस रखता हूँ लाइटनिंग के ऊपर, कि लाइटनिंग जहाँ से अच्छी आ रही हो। और यार आजकल वीडियोस थोड़ी कम आ रही हैं, उसकी वजह मैंने आपको बताई भी थी कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, उस वजह से वीडियोस कम हो रही हैं। इंशाल्लाह थोड़ी दिन तक हम अपने केजेस भी रेडी करवाएंगे, सेटअप रेडी करवाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है यार, बहुत मज़े के ब्लॉग देखने वाले हैं आप, तो थोड़ा सा वेट कर लें। अभी जो है ना हमने क्या करना है, अभी हमने अपनी डक्स को बाहर लेके जाना है, ठीक है। हमारी जो डक्स है ना वो ऊपर रह रहे कि बेचारी तंग हो गई, उनके लिए कोई पॉन्ड भी नहीं बना हुआ, तो मैंने क्या सोचा कि आज उनको थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, थोड़ी चिल करवाते हैं उनको भी भाई, उनको भी जो है ना थोड़ा सा इन्जॉय करवाते हैं आज। तोतो ने जो है ना वो अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है, मुझे तो यही लग रहा है। ये देखें इसके अंदर भी एक घुसी हुई थी अभी, ये देखें इन डोलियों के अंदर जो है ना फीमेल्स ने जाना स्टार्ट कर दिया है या नहीं भाई, किधर गई? नहीं है मेरे ख्याल से, अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि ये जब इनके पास जाओ ना ये ऐसे उछलने लग जाते हैं, बहुत डरपोक हैं। ये देखें ये फीमेल की दुम देखें, ये टेढ़ी हुई है ये दुम ना, ये ब्रीडिंग पे रेडी है तब इसकी दुम टेढ़ी है। तुम्हें पता है ये जब अंडों पर आती है ना ये डोलियों में बैठना स्टार्ट होती है, उनसे दुम इनकी टेढ़ी हो जाती है। तो यार इनको जो है ना अभी यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी वजह ये है कि इनकी कॉलोनी जो है ना वो रेडी करनी है और कॉलोनी के अंदर इनको ट्रांसफ़र करना है, तो फिलहाल तक ये यहीं पे रहेंगे। ये देखिए वो हाँ इनके दो कैद रखे हुए हैं, इसमें डाल देते हैं यार, इसमें इस वजह से नहीं डाल रहे ना क्योंकि ये केज जो है ना ये छोटा है, इसके अंदर अभी सर्दी भी है ना तो साथ रहेंगे गर्म रहेंगे, ठीक है। तो जब इनकी कॉलोनी बनेगी तो सारे कॉलोनी के अंदर जाएंगे। ये देखिए इनको इतना दाना डालना पड़ता है, ये बड़ी वाली डब्स सारा खा जाती हैं, ये वाली ये बहुत खाती हैं। उस दिन मैंने डब को पकड़ने की बड़ी कोशिश की है लेकिन ये हाथ ही नहीं आती भाई। तो अभी बच्चों वाली मुर्गी को हमने रोज़ाना खोलना शुरू कर दिया है क्योंकि ये जो है ना इनको पानी और धूप बहुत ज़रूरी होती है, आजकल सर्दी बहुत हो गई है। सिल्की बेबीज जो है ना अगर ये धूप में घूमते रहेंगे तो इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी भी माशाल्लाह ये देखें कितने बड़े होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सारे कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं, इनको थोड़ी देर पहले हमने खोला था, और बाकी जो कबूतर है ना वो अभी अंदर है, उनको भी बाहर नहीं निकालते। इनमें से जितने भी कबूतर आपको नजर आ रहे हैं ना ये सारे के सारे उड़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये काफी उड़ते हैं ऊपर और फिर नीचे उतरते हैं, किसी दिन मैं आपको उड़ा के दिखाऊंगा। अभी एक कबूतर ये देखें ये उड़ के आ रहा है, इनके परों के नीचे रंग भी लगाने हैं
और किस दिन जो है ना मैं आपको ये उड़ा के भी दिखाऊंगा। बाकी के कबूतर जो है ना वो सारे अंदर है। बाहर निकलो भाई। क्या यार बल्कि छोड़ो, अभी हम ऐसे भी डक्स को लेके जा रहे हैं तो गली में छोड़ने हैं उनको, थोड़ा सा बाहर का माहौल दिखाना है हमने, और फिर इंशाल्लाह जब पॉन्ड बनेगा ना तो फिर उनको बाहर लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हम लेके जाते हैं। माशाल्लाह से यार हमारा चिंकी भी काफ़ी बड़ा हो गया, और ये मुझे मेल लग रहा है। ये देखें इसकी दुम, दुम की वजह से मुझे मेल लग रहा है, वैसे दिखने में ये फीमेल है। अब आप ही लोग मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है भाई, पता ही नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आ रही। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह करे ये मेल हो, और फिर हम अपनी टोमी और इनका जो है ना पेयर बना लेंगे, अच्छा सा पेयर बन जाएगा इनका। हाँ चलो जी, मैं बोलता हूँ बड़ी वाली को ले जाते हैं, इनको छोड़ो, बड़ी वाली को ही ले जाते हैं, रोमियो और हीर को। चलो जी, ये आज आप लोगों को मैं जन्नत की सैर कराने वाला हूँ। इनके लिए तो जन्नत ही होगी, क्योंकि बाहर जो है ना नाली में काफ़ी कुछ होता है इनके खाने के लिए, और ये बहुत खुश होती हैं। मज़ा आने वाला है आज। 1 2 3 लो जी भाई, इनकी नई दुनिया आ गई। यार यहाँ पे छोड़ो, तो चेक करें गाइस, अभी डक्स को हम बाहर ले आए हैं, और अभी यहाँ पे इनको थोड़ी देर छोड़ेंगे, मतलब घंटा दो घंटा इनको पक्का यहाँ पे छोड़ना है। तो यार फर्स्ट टाइम हमारी डक्स बाहर आई है ना, इनको समझ ही नहीं आ रही कि हम करें क्या। ये देखें यहाँ पे ये मदद से आके खड़ी हो गई हैं। अभी इनको थोड़ा सा तरीका भी बताना है, क्योंकि हमने छोटे से बच्चे पाल के बड़े किए थे, और इनको हम कभी भी जो है ना ऐसी जगह पे नहीं लेके आए। तो अभी थोड़ा सा ये बाहर घूमेंगी, इन्वायरमेंट यहाँ का समझेंगी, और उसके बाद जो है ना ये यहाँ की आधी हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता से। चलो यार आराम आराम से इनके पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ ना, ताकि इनको पता चले भाई किस तरह से हमने सैर करनी है बाहर की। देखे कितना खुश हो रही हैं यार, कितने मज़े से भाग रही हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन बाहर का ये मसला है ना कि यहाँ पे हमारी डक्स को लोग, मतलब यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना वो हमारी डक्स को तंग कर सकते हैं, इसके अलावा घूम भी हो जाती हैं, इस वजह से मैं इनको बाहर नहीं निकालता, वरना मैं इनको रोज़ाना बाहर निकाला करें। आ जाओ आ जाओ। तो गाइस कब से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और आयशा भी आ गई। जाओ आयशा, वो देखो डक्स को बाहर निकाला है, इतनी खुश हो रही है। जाओ आप भी डक्स के साथ घूमो घूमो, जाओ जाओ ना। वो देखें गाइस वो सामने जा रही हैं। यार फर्स्ट टाइम आई है ना, फर्स्ट टाइम यही मसला होता है कि इनको जो है ना समझ ही नहीं होती कि भाई हमने करना क्या है। वो देखें अभी वो गली के उस साइड पे जा रही है। जाने दो यार, वो गई। यार ये कहाँ पे जा रही है, वजह से भाई चल चल के कितना दूर आ गई है। वो देखें अभी देखे वहाँ पे भाग भाग के जा रही हैं, जहाँ पे हम होते हैं ना वहाँ से ये भाग जाती हैं। जाओ उसको पकड़ के लाओ, जाओ ना उस पिछली वाली को पकड़ के लाओ। जाओ शाबाश, चलो जाओ 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 जाओ, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलेगी, जाओ चलो इसको पकड़ो इसको। ये गुना बाल कितने मज़े से पकड़ लिया, आज तक को नहीं पकड़ पा रही। यार काफ़ी टाइम हो गया, हमारी डक्स को समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, नाली में से चीज़ें खानी है, क्या करना है। मज़े से सड़कों पे घूम रही हैं, आवारा गर्दी कर रही हैं। चलो मुझे लगता है यार अभी इसको पकड़ के लेके जाते हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना खोला करेंगे। कैसे भाग भाग के जा रही हैं यार। चले इनके पीछे पीछे जाते हैं, और देखते हैं कि ये जा कहाँ रही हैं भाई। यार फीमेल को देखे कैसे चल रही है। तो यार ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से जी। कितने दिन के लिए आए हो? मैं कल वापस जाऊंगा। कल वापस, इतनी जल्दी? पंजाब के कौन सी जगह से हो? मैं जंग से। जंग से, ठीक है भाई, कोई जंग से देख रहा है तो फिर इनसे मिलना है भाई। ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। और चलो यार इसको पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, अभी लेके जाए ऊपर, पकड़ लो। तो ओके ब्रदर, लव यू। दोस्तों डक्स को मैंने जो है ना छोड़ दिया है, और यार मैं जो लगा था कि ये बहुत मस्तियां करेंगी बाहर जाके, कभी नाली में छलांग लगाएंगी, कभी क्या, लेकिन यार इतनी शरीफ डक्स है ना, मतलब एक दफ़ा भी इन्होंने कोई मस्ती नहीं की, बहुत आसानी से ये हाथ भी आ गई और मज़े से घूमती रही हैं। चल हम बहुत जल्द जो है ना इनका पोंड छत के ऊपर बनाएंगे। बोल वाला जो नहीं होता है बड़ा वाला, वो लाया था ना इधर एक दुकान, उधर से बाबा साथ गया था, बर्फ लाया था। अच्छा वो नहाने वाला? तो यार यहाँ हमें बता रहा है वो नहाने वाला नहीं होता जो स्विमिंग पूल। हाँ अभी हमें नहीं चाहिए, नहीं नहीं अभी हम इंशाल्लाह यहाँ पे वो दूसरा बनाएंगे मट्टी वाला, वो उसमें ज़्यादा खुश रहती हैं, तो वो वाला जो है ना इतना फट भी सकता है, उसके 100 मसले होते हैं, तो
मिट्टी वाला बनाएंगे, प्यारा सा होगा, मजा आएगा। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है ना काम स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपके साथ साथ वीडियोस में दिखाता रहूंगा। बस जल्दी से जो है ना मैं फ्री हो जाऊं तो फिर इंशाल्लाह हम केज भी बनाएंगे और पोंड वगैरह सब कुछ बनाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।